अस्सलाम वालेकुम, मैं जुलेखा अरफात, जुलेखा किचन से। आप लोग सब कैसे हैं? मैं अल्लाह के करम से ठीक हूँ। आई होप आप भी सब ठीक होंगे। आज मैं क्या बना रही हूँ? आज मैं बना रही हूँ पेपर चिकन फ्राई। बहुत ही डिलिशियस होती है, इजी भी है, मजेदार है। एज अ साइड डिश सर्व कीजिए। और तो चलिए देखते हैं आज की रेसिपी के इंग्रेडिएंट। सबसे पहले तो यहाँ मैंने 1 किलो तक की चिकन ली है। वैसे 1 किलो तक की है नहीं, बट 1 किलो तक की आप ले सकते हैं। ये तकरीबन 750-800 ग्राम तक की है। और इसकी मैंने चर्बी निकाल ली है, 2-3 पानी से धो लिया है और नितार कर ये बाउल में डाल दिया। और अब इसमें मैं स्लिट भी मार ली हूँ, मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, एक एक चिकन पीस लीजिए, दो दो तीन तीन डीप स्लिट्स मारिए, दोनों ओर स्लिट्स मारिएगा आगे और पीछे, और इन्हें साइड पर रखते जाइए। इसी तरीके से सारे चिकन पे डीप स्लिट्स मार लीजिए। और अब डाल दीजिए इसमें नमक स्वाद अनुसार, 1/4 छोटा चाय का चम्मच हल्दी, 1/2 छोटे चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और 2 छोटे चाय के चम्मच नींबू का रस, और 2 छोटे चाय के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। सारी चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसे मैरिनेट करने ढक कर आप चाहे तो फ्रिज में रख दें या फिर बाहर भी रख सकते हैं आधे 1 घंटे के लिए। अच्छा, यहाँ पर वहां पर मैंने, आपने देखा कि चिकन को मैंने मैरिनेट कर लिया। यहाँ पर मैं ना क्विकली 8-10 कली लहसुन की है ना, उसे मैं साफ कर रही हूँ। यूजुअली तो मैं साफ करके रखती हूँ, एक साथ पूरा बैच यू नो आधा किलो का साफ करके रख देती हूँ फ्रिज के अंदर, कांच की शीशी के अंदर डाल के, सो दैट मुझे जब चाहिए साफ करने की जरूरत नहीं पड़ती है और मैं थोड़ा सा जल्दी काम कर पाती हूँ। बट आज मेरी खत्म हो गई है वो, तो मैं यहाँ पर ये साफ कर रही हूँ लहसुन। उसके बाद ये है ना प्याज, तकरीबन समझिए ना 200-250 ग्राम तक के दरमियान की प्याज है, और 3 मीडियम साइज की प्याज है। इसे मैं ना लंबा लंबा काट लेती हूँ। अब मैं कटर से काट रही हूँ, आप चाहें तो हाथ से भी काट सकते हैं। चलिए, मेरे सारे लहसुन हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। तो जी हाँ, चलिए प्याज मेरी हो चुकी है, लहसुन मैंने साफ कर लिया है, तो डायरेक्ट चलते हैं किचन में। चलिए अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ थोड़ा सा ये 1 टीस्पून काली मिर्च डाल रही हूँ, थोड़े से समझिए ना सवा डाली हूँ। आप चाहे तो 1.5 भी डाल सकते हैं, आप चाहे 2 तक ले सकते हैं, बट मैं ज्यादा स्पाइस नहीं डालना चाहती हूँ, सॉरी काली मिर्चों का, इसके लिए मैंने सवा ही डाला है, आप कम भी डाल सकते हैं। ये मैंने 1 छोटा चाय का चम्मच डाला काली मिर्च साबुत, और यहाँ मैं 1 छोटा चाय का चम्मच साबुत जीरा डाल रही हूँ। चूल्हा कर दीजिए चालू और उसे स्लो टू मीडियम आंच के दरमियान रखिए और इसे थोड़ा सा भून लीजिए गरम मसाले को, पूरे साबुत गरम मसाले को भून लीजिए। और मैं यहाँ है ना 1/2 छोटा चाय का चम्मच सौंफ डाल रही हूँ, समझे ना 1-1.5 मिनट हो चुकी है, तो ये थोड़ा सौंफ डाल के इसे थोड़ी देर मैं रोस्ट कर रही हूँ। बस थोड़ी देर मतलब फ्यू सेकेंड्स। चलिए बंद कर देती हूँ चूल्हे को, क्योंकि ये गर्म है ना, तो 8-10 सेकेंड ये गर्म पैन के अंदर रखूंगी तो एज इट इज वो रोस्ट हो जाएगी, नहीं तो अगर मैं उस समय डाल देती ना सौंफ तो फिर जल सकती थी ना, और हमें जला हुआ मसाला नहीं चाहिए। चलिए अब आप चाहें तो इसे एक प्याली में ट्रांसफर कर ले और जब रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो पीस लें, एकदम बारीक नहीं पीसना है, हल्का सा दरदरा टाइप पीस लें। तो ये ठंडा हो चुका है, ये जो मसाले थोड़े से जो हमने गरम मसाले रोस्ट किए थे इसे मैं डाल देती हूँ और दरदरा सा पीस लेती हूँ। चलिए ये देखिए, इस तरीके से हल्का दरदरा टाइप पीस लिया मैंने। एक कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा तेल डालिए, चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए और इसमें डाल दीजिए 1 डंडी दालचीनी की और 3 हरी इलायची, 3-4 लौंग और 1/4 टीस्पून जितना साबुत जीरा।
यहाँ पर मैं एक लाल मिर्ची को भी सूखी हुई को मैं तोड़कर डाल रही हूँ इसके अंदर। अच्छा मैंने है ना थोड़ी देर पहले ये जो लहसुन 11 लहसुन को जो मैंने साफ किया था उसे मैंने हल्का हल्का दरदरा सा कूट लिया, वो भी डाल दीजिए। चूल्हा मीडियम पर है और इसे फ्राई कीजिए। साइड पर ये प्याज रखी है स्लाइस करी हुई, ये जो लहसुन है और ये गरम मसाले हैं तकरीबन आधा एक मिनट तक इन्हें आप फ्राई कीजिए। उसके बाद 3 मीडियम साइज की प्याज स्लाइस करी हुई डालकर इसे मिक्स कर इसे आप फ्राई करें। आपने तब तक फ्राई करना है ये प्याज को जब तक ये लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती, ज़्यादा डार्क नहीं करना है। हाँ इसी के टाइम पे मैंने डाल दिए हैं 3-4 कड़ी पत्ते, वो भी इसी समय आप डाल दीजिए, पहले नहीं डाला क्योंकि वो फिर जल जाएंगे। अच्छा मैं हल्का सा तेल थोड़ा और डाल रही हूँ, मुझे कम लग रहा है तो, और प्याज को मैं फ्राई कर लेती हूँ। चलिए ये लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुकी है प्याज, इसमें आप ये जो चिकन मैरिनेट करी हुई है सारे मिक्सचर के साथ जो सारा मैरिनेशन है उसके साथ डाल दीजिए। चूल्हा मीडियम पर है और इसे आप चिकन को फ्राई करें, बार बार चलाते जाएं और उसे तकरीबन तब तक फ्राई करें जब तक जो इसका कलर है ना वो चेंज नहीं हो जाता। अच्छा तकरीबन मैं यहाँ ना अभी 1 से 2 मिनट तक उसे फ्राई कर रही हूँ चिकन को। मैंने यहाँ पानी भी 1/4 कप जितना वो जो इसमें हमने मैरिनेट करके रखा था उसमें डालकर रखा है, मिक्स करके चला कर साइड पर रखा है। अब जब यहाँ 1 से 1.5 मिनट हो जाती है चिकन को फ्राई करे हुए तो यहाँ जो मसाला हमने साइड पर बनाकर रखा था दरदरा सा वो सारा डाल दीजिए, इसे भी मिक्स कीजिए। चूल्हा मीडियम पर है। अच्छा मैं मिक्स कर रही हूँ, आपकी अगर नॉन स्टिक है तो पानी डालने की अब ज़रूरत नहीं है, बट मेरी नॉन स्टिक नहीं आप देख सकते हैं तो चिटक रहा है और मुझे मसाला चिटकाना नहीं है। तो यहाँ मैं वो जो पानी 1/4 कप जितना आपने देखा था वो डाल देती हूँ। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम थोड़ा सा डाल दिया और इसको मिक्स कर रही हूँ क्योंकि फ्राई भी करना है ना हमें। अब सारा मसाला नीचे छिटक जाएगा तो फिर फ्राई किस में होगा ना मसाला, और मेरी स्टील की है। अगर आपकी नॉन स्टिक हो तो आप पानी मत डालिएगा और उसे तकरीबन तब तक फ्राई करें चिकन को मीडियम आंच पर जब तक चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता। तकरीबन 3-4 मिनट में तो कलर चेंज हो जाएगा चिकन का। चलिए तकरीबन 3-4 मिनट हो चुकी है फ्राई होके चिकन को, तो यहाँ मैं क्या कर रही हूँ 1.25 से 1.5 कप पानी और इसके अंदर डाल रही हूँ। अब आप चाहें, मेरी चिकन छोटी है जैसे आप देख सकते हैं तो मैं 1.25 डाल रही हूँ। अब आपकी चिकन बड़ी हो और 1 किलो तक की प्रॉपर पूरी हो तो आप तकरीबन 1.5 से 2 कप भी डाल सकते हैं, बट मैंने 1.25 से 1.5 के दरमियान डाला। इसे मैं मिक्स कर लेती हूँ, चूल्हा मीडियम पर है और इसमें एक उबाल आ जाने दीजिए। जब एक उबाल आ जाता है चिकन के अंदर ये पानी के अंदर तो इसको कर दीजिए स्लो आंच और थाप कर तकरीबन 15 से 20 मिनट तक पकने रख दीजिए, या तब तक पकाएं जब तक चिकन पूरी तरीके से गल नहीं जाती। ढक कर पकाइए स्लो आंच पर। चलिए 15 से 17 मिनट हो चुकी है, मैं खोलकर चेक कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं काफी हद तक पानी भी सूख चुका है और चिकन भी देखते ही आप समझ सकते होंगे कि गल चुकी, क्योंकि मेरी छोटी चिकन थी पहली बात तो पीसेस छोटी मुर्गी के थे। आपके बड़े होंगे और आपकी 1 किलो तक की होगी तो आपको 15 से 20 मिनट नहीं लेकिन आपको 20 से 25 मिनट लगेगी और आपको पानी भी थोड़ा शायद ज्यादा लग सकता है। चलिए अब ये देख सकते हैं आप पानी इसमें काफी दिख रहा है, आपको थोड़ी ज्यादा ग्रेवी लग रही है तो मीडियम आंच कर दीजिए, बार बार चलाते रहिए और इसे हल्का सुखा लीजिए। तब तक इसे फ्राई कीजिए जब तक ये जो तेल नहीं ऊपर आ जाता तब तक, और अच्छे से मसाला भूनना टाइप नहीं हो जाता, थिक टाइप नहीं हो जाता तब तक। अब यहाँ ये आपके ऊपर है आपने कितना मसाला टाइप रखना है। आपको एकदम ही ड्राई आउट करना है तो एकदम ही ड्राई आउट कर सकते हैं, हल्का थोड़ा चिटका चिटका मसाला चाहिए तो आप वैसा कर सकते हैं, और अगर आपको थोड़ा हल्का सा ग्रेवी टाइप चाहिए तो आप वो भी रख सकते हैं, लेकिन मोस्टली ज्यादा थिक ग्रेवी रखिएगा। अब नमक डाल दीजिए इसमें स्वाद अनुसार, मेरे को कम लग रहा था मैंने यहाँ एडजस्ट किया नमक को। वैसे ये वाली पेपर चिकन है ना इसकी जो ग्रेवी कैसी रहती है, जो थोड़ी सी चिपकी हुई टाइप रहती है ना चिकन को, बस वैसी रहेगी, तो मैं तो वैसी ही रख रही हूँ। थोड़ा सा ये देखिए तेल शुरू हो गया है छूटना और जैसे चिटकी चिटकी से है ना हमारी चिकन को, तो अब मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ, हल्की सी मैं थोड़ी सी कोथमीर डाल रही हूँ, थोड़े से ये जो कड़ी पत्ते हैं फ्रेशली डाल रही हूँ इसके अंदर। कोथमीर आप एंड में डाल सकते हैं बट मुझे ये जो धनिया पत्ता है ना उसकी खुशबू बड़ी अच्छी लगती है। थोड़े से बारीक कटे हुए अदरक के पीसेस और थोड़ी सी मिर्ची ऐसी आड़ी साइडवेज कटी हुई, मैंने मिर्ची नॉन स्पाइसी ली है, आप चाहें तो अगर स्पाइसी ले रहे हैं तो कम डालिएगा। और नींबू का रस मैं तकरीबन 1 छोटा चाय का चम्मच ले रही हूँ, आप कम या ज्यादा अपने स्वाद अनुसार कर सकते हैं। मिक्स कर लीजिए, आप देख सकते हैं एकदम ग्रेवी ऑलमोस्ट सूख चुकी है और तेल छूट चुका है, चूल्हा कर दीजिए बंद।
चलिए मैं कुछ देर बाद सर्व कर रही हूँ, तो इसका चूल्हा मैंने चालू कर दिया है। बढ़िया सी बनी है, मजेदार सी, मैंने अभी चखा है माशाल्लाह। और ये देख सकते हैं आप कितनी मजेदार सी लग रही है, एकदम डिलीशियस। चूल्हा मैंने बंद कर दिया, अच्छा गर्म हो गया, तो अब मैं इसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर प्लेट में निकाल लेती हूँ, सर्विंग प्लेट में या बाउल में निकाल लीजिए। थोड़ा सा प्रेजेंटेशन जरूरी है, तो मैं थोड़े से जो हरी मिर्चियां हैं फीकी वाली उसे यहाँ साइड पर रख रही हूँ, थोड़ा ग्रीन वाइब्रेंट लगेगा। थोड़ी कोथमीर डाल दीजिए और थोड़े से जो स्ट्रैंड्स हैं इसके अदरक के, वो भी इसके ऊपर रख दीजिए। और गर्मा गर्म रोटी पराठा फुलका के साथ सर्व कीजिए, या एज एन एपेटाइजर ऐसे ही आप खा सकते हैं, दाल चावल के साथ सर्व कीजिए। इसी की तरह समवट लेकिन एकदम डिफरेंट है और बहुत ही मजेदार है वो भी, चिकन हैदराबादी फ्राई। उसकी रेसिपी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देती हूँ, वो भी बड़ी मजेदार टेस्ट की लगती है, वो भी जरूर ट्राई कीजिएगा। और ऐसी कुछ रेसिपीज मैंने मेरे चैनल पर अपलोड की है बढ़िया सी एपेटाइजर की, उसकी लिंक्स भी मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देती हूँ, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। अच्छा, अगर आप ये मेरी रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, आपकी फैमिली और फ्रेंड्स में मेरी ये रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। फिर से हाजिर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ या फिर ब्लॉग के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।